ये स्वच्छता का ऊपर मेरा अभी का प्रोग्राम का ऊपर में वो एकदम अतिरिक्त है, इट इज क्वाइट रिलेटेड। ये ऐसा है कि हमारा यहाँ 48 अपना टॉयलेट बना है, 2014-15 को ये बना है, लेकिन जब हम लोग का बन गया था वो एजेंसी जो है PHC था, इसमें ऐसा होता है कि आपका स्वच्छ भारत अभियान में भी ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऑफिशियली कहीं कहीं कंट्रोल नहीं होता है। वो लोग PHC वाला बनाने के बाद वो लोग फिर हम लोगों को हैंड ओवर करने का होता है। अभी जब हम लोगों को हैंड ओवर किया तो कहीं में लाइट नहीं है, कहीं में टॉप में टैंकी है, पानी नहीं है। तो हम लोगों ने इस बार जब हम लोग ने बागडोर संभाला, उस दिन G20 मीटिंग में भी सेम बात जिक्र किया, मैडम आपने जो बोला है, सबसे पहला हम लोग पब्लिक को जहाँ तहाँ में आपको ये नहीं करना है, यूरिन नहीं करना है, जहाँ तहाँ में आप लोग ये नहीं स्वास्थ्य रखना है बोलना चाहिए, तो हमारा पास सुविधा भी तो पब्लिक को देना चाहिए, ये हम लोग का भी सवाल था। तो अभी हम लोगों ने क्या कर दिया कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अंदर PHC का अंदर नहीं बोलते हुए अभी उसको हम लोग ये निर्णय लिया कि PPP मूड में, पब्लिक पार्टनरशिप मूड में देने से 2-3 फायदा है बोल के हम लोगों ने पारित किया। पारित ये किया कि जितना भी हम लोगों के पास ऑपरेशनल है, नॉन ऑपरेशनल है, कोई कोई वॉशरूम जहाँ फुटफॉल्स ज़्यादा है, जैसे डेली मार्केट हो गया, कहीं कहीं वो चल रहा है, लेकिन वो माने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है, मालिक नहीं है। तो अभी हम लोगों ने निर्णय ये लिया कि सारा जो बाथरूम है ये आप लोग के पास मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का जरूरी है। सारा बाथरूम लोग को हम लोग अभी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उसमें दो फायदा है। एक फ़ायदा ये कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग बैठा हुआ है वो काम में लग जाएगा। दूसरा जो है, सरकारी जब निगरानी में रखने से केयरलेस होता है, प्रॉपरली साफ सुथरे नहीं होता है, और पब्लिक भी पे नहीं करता है। हम लोग उसको इसलिए ये निर्णय लिया कि PPP मूड करके हम लोग टेंडर वाला, आउटसोर्सिंग वाला बुलाया। अभी हम लोग रेट तय हो गया, ये रेट भी फिक्स हो गया। पार्किंग वाला को भी हम लोग ऐसे किया, किसी प्राइवेट पार्टी अनएम्प्लॉयड यूथ लोग को दिया, उसका भी आमदनी होता है और वो पार्किंग भी चल रहा है, साफ सुथरा भी कर रहा है। अब मैम जो सवाल किया उसी पैटर्न में हम लोग ले लिया, अभी इमीडिएटली पब्लिक वाला लोग टेक ओवर कर रहा है, वो लोग काम चलाएगा। हम लोग मिनिमम टैक्स ले रहे हैं, लेकिन जो यूज़ करेगा वो पेड होगा, ये पेड टॉयलेट होगा। सर, जैसे कि अभी सैनिटाइजेशन का बात चल रहा है, गार्बेज का बात चल रहा है, एक दिन पहले ही आप ही जाए के गार्बेज जा रही है, आग लग गया था सर, तो काफ़ी लोगों का कहना है कि लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से हुआ है बोल के, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आग देखिए, आग लगा है वो इंसिडेंट है, अभी हम लोग उसको बहुत तोड़ मरोड़ के बोलने से, निगेटिवली बोलने से अभी होगा नहीं। अभी दुर्घटना होता है, ये दुर्घटनाग्रस्त है। अभी नेपाल में हाल ही में दुर्घटना हुआ, 60-70 आदमी मर गया, वो मेंटेनेंस का ऊपर बोलने से नहीं होगा। हमारा गाड़ी जो है ओंडा मूव था मैम, आप लोगों का सोशल मीडिया को मैंने फॉलो कर रहा था, वो वार्ड नंबर 14 का गाड़ी है और गाड़ी जला है इसी जगह में। आप सोचिए, वो वार्ड नंबर 14 नाहरलगन से आता है, वो गाड़ी चल के आया, चल के आने के बाद शॉर्ट सर्किट बैटरी से हुआ है, और वो अभी का गाड़ी नहीं है। हम लोग 2-3 बार गाड़ी लिया, आप लोग हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, DCM साहब फ्लैग ऑफ किया, वो 2014-15 का गाड़ी है। लेकिन वो बात ये नहीं कि उसको हम लोग केयर नहीं किया, वो बात नहीं है। पुराना गाड़ी है वो बात भी नहीं है। एक्सीडेंट, इंसिडेंट इज ऑलवेज इंसिडेंट। वो गाड़ी ऑन द मूव में था, एकदम से आँख निकल गया बैटरी से, शॉर्ट सर्किट हुआ, हर कोई डरता है। हम आप लोगों को ऑन द रिकॉर्ड आपको कन्फेस कर रहे हैं, हम ईमानदार से बोलते हैं कि हमारा ड्राइवर भी पैनिक में निकल गया वहाँ से भाग गया। जब आँख जला है, लाइफ को तो बचाना है पहले, फिर देखा है वो कंटिन्यूस जल रहा है, उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, बाकी लेबर भी तीन तो औरत था, वो भी भागा है, भागना ही पड़ेगा, आँख से तो कोई मर नहीं सकता है। तो वो गाड़ी को देखा, देखी आप लोग देख रहा था, आँख कहाँ से शुरू हुआ, आस्ते आस्ते जला है, आराम से जला है, उसको कोई रोक नहीं पाया, बाद में फ्लेमिंग हो गया, फिर वो लोग अपना काम किया, वो ये वाला भी आके, ये टोटली एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट टू इंसिडेंट।